मतलब इनके बारे में हमने पढ़ा है, मेरे शो पे सुना है इनके बारे में, ये ट्रेंड कर रही हैं, बट आई फील जस्ट सो इंस्पायर्ड ऑलरेडी क्योंकि ये मेरे साथ बैठी हैं, रजनी पंडित, द फर्स्ट वुमेन डिटेक्टिव इन इंडिया. नमस्ते. मतलब ये कितनी बार आपने सुना होगा? काफी बार. काफी बार. ये 1991 में आपने शुरुआत की थी, एंड ये जासूसी का जो कीड़ा है अंदर, जो बाय द वे आई मस्ट टेल यू दैट रजनी जी इज लियो एंड सो एम आई. तो पहली बार जब मैं मिली रजनी जी से, आपका स्टार साइन क्या है, क्योंकि लियो वाले वाइब्स आ रहे. तो हम पैदाइशी जासूस से, लेकिन हर व्यक्ति में एक हीर छुपा हुआ रहता है. हाँ, ये आप जान लो कि मतलब हम सब जासूस, लेकिन वो ओपन नहीं होते हैं. हाँ. लेकिन हर एक व्यक्ति में जासूस छुपा हुआ होता है. अच्छा. हाँ. तो अब मैं आपसे 10 सवाल करने वाली हूँ, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हाँ. यार ये आदत है मेरी, समझ लेना. आरजे हूँ, बहुत ज्यादा बात करती हूँ. बट ये 10 सवालों के जवाब आपको ऑनेस्टली देना है. आप रेडी हो? ओके. नंबर वन, आपको इंस्पायर किसने किया? मतलब कोई मूवी जो आपने देखी, या फिर बहुत सारे शर्लॉक होम्स के किताब आपने पढ़े, कि कैसे आप जासूस बन गए? मैं बोलू, समाज ने मुझे जासूस बना दिया. समाज ही तुम्हारा फॉल्ट है. ओके. क्यों? मतलब कोई भी मूवी नहीं देखी आपने? कुछ भी नहीं. एक्सपीरियंस इज माय गॉड. एक्सपीरियंस, यस. अनुभव से काफी मैंने कुछ सीखा है. अच्छा, अनुभव कहाँ पे हो तुम? आ जाओ मिल लो. क्योंकि लोग अगर कुछ गलत नहीं करते थे तो मैं जासूस नहीं बनती थी. ओके. क्वेश्चन नंबर टू, जब हम सीआईडी देखते हैं तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का वो सीरियल सीआईडी है. सीआईडी में ना वो ऐसे करते हैं, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, है, कुछ तो गड़बड़. आप करोगे वो हमारे लिए? नहीं बाबा. किसी की कॉपी नहीं मैं करती. नहीं किसी. आई लाइक हर. एंड जैसे ना उनके वहां पे कैरेक्टर्स होते, दया होता है, यू नो, अभिजीत होता है. तो आपके कहाँ पे है अभिजीत, दया? हमारी टीम के लोग हैं वो सामने नहीं आते हैं. मगर है, है. कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हाँ. अलग अलग टाइप के, जो ओल्ड एज के भी है, कि जो हाँ शिवाजी पार्क है, कट्टे पे लोग बैठते हैं कि बहुत तकलीफ देती है, बेटा कैसे बर्ताव करता है, तो हम प्रॉपर्टी किसके नाम पे करेंगे, क्या चाल है. वाह. तो चाल के लिए 20-25 लोग हैं आपके साथ? हाँ, तो अलग अलग जानता नहीं है ये कौन है 20-25. कितने रोल्स आपने किए? सवाल नंबर तीन, कितने रोल्स? रोल्स बहुत किए हैं. पागल का किया है, गुंगे बहरे का किया है, अंधे का किया है, काम वाली का किया है, उसके बाद फिर वो जो कपड़े बेचने वाली बुआरिन होती है उसका किया है. हाँ. बहुत अलग अलग जैसे जैसे काम आते हैं. आई वॉन्ट टू रीफ्रेज, क्या रोल नहीं किया है? क्योंकि सब तो किया है आपने. बार में जाकर बियर या दारू नहीं पी. अच्छा, वो नहीं, वो नहीं कर सकते. बियर दारू बार में अभी तक एंट्री नहीं मारी है. नहीं मारी है. हाँ, एक बार जाना जरूरी था. हाँ. तो गई थी, लेकिन उधर कुछ किया नहीं. मुझे वो औरत को देखना था जो किसी का घर. नींबू पानी तो पी लेते यार. मतलब बार में दारू ही पीना है वो तो जरूरी नहीं है. वो चीज है जो आप लेके जाती हो. हाँ. जब आप घर से निकलते हो ऑन अ प्रोजेक्ट. हाँ. वो कौन सी चीज है जिसके बिना आप घर के बाहर नहीं जाते हो? मोबाइल है. मोबाइल. मोबाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है. और बाकी तो अपने इसके लिए जो चीज है वो सामने सबके नहीं बोलूंगी. तो अच्छा, वैसे मेरे ऊपर हल्ला. मगर ऐसी भी चीजें हैं जो आप लेके जाते हो. होनी चाहिए ना. अच्छा, अगर कोई अचानक आपत्ति आई तो अपने आप को संभालना चाहिए. हाँ, तो वो है आपके पास. कुछ तो है. अब लोग गैस वर्क कर रहे हैं, क्या है वो? गन है, नाइफ है, स्वॉर्ड है. वो उनको ढूंढने दो. अच्छा, उनको ढूंढते हैं. आप इन्वेस्टिगेट करो. और खाना पीना भी आई होप आप लेके जाते हो यार? नहीं, बादाम बादाम. 3-4 दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी चलता है क्या? हाँ, ऐसे हुआ है आपके साथ? बहुत. तो क्या करते हो आप जब भूख लगती है तो? पानी बस. हाँ. ओके. दे क्रेजिएस्ट केस, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके लिए आपके पास आया, जो मतलब आपने सोचा नहीं कि ऐसा भी कोई केस आ सकता है. मर्डर केस. मर्डर केस किसका था ये? ये मर्डर था जिसने अपने पहले हस्बैंड को हटा दिया था. हाँ. उसके बाद अपने बेटे को मरवाया था. हाँ. किसी को बोल के. फिर उसके यहाँ नौकरानी 2-3 आती थी तो मैंने. हाँ. उनको देखा कि ये इनके घर में जाती है. हाँ. तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ना मम्मी डैडी नहीं है और मेरे मामा भी मुझे बहुत पिटाई करते हैं. हाँ. मुझे काम चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मैडम से बात करके पूछती हूँ और काम देती हूँ. उनको लगा अनपढ़ है, इनको कुछ मालूम नहीं है. तो उसने काम दे दिया. फिर वो मिली मेरे को, बोलते हाँ ठीक है आप आइए कल से हमारे घर में काम के लिए. तो मुझे वही चांस चाहिए था. फिर कौन कौन इसको मिलने आते हैं, लोग कैसे डबल गेम खेलते हैं,
तो वो सब मैंने चेक करा, उनका कॉन्वर्सेशन है जो उनकी भाषा अलग थी वो मैं रिकॉर्ड करती थी। तो एक दिन टेप रिकॉर्ड कर आवाज आई, तो आवाज आई तो बोलती है इसके पास कुछ चीज है। हाँ। तो मैंने वो छुपा के रखे दिए। हाँ। तो यहाँ हुआ वो ढूंढने लगी तो मैंने बोला नहीं कुछ गिर गया इसका आवाज आया। हाँ। तो बोलती नहीं नहीं कुछ तो है। फिर उसने मेरे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। तो उन लोगों को मैंने बता दिया कि अभी मुश्किल है। हाँ। उसको मेरा डाउट आया। हाँ। है तो बोलते फिर काम छोड़ दो। तो मैंने बोला नहीं छोड़ेंगे नहीं ऐसे आधे पे हम लोग, मैं देखती हूँ क्या होता है। मैंने बाहर मेरे लोग जो मेरे ऊपर साथ रहते थे ना उनको बाहर से मैंने चिट्ठी एक डाल दी कि अभी मैं मेरा आना मुश्किल है, कभी मिला मौका तो मैं मम्मी डैडी को मिलने के लिए आऊंगी। हाँ। तो फिर मेरे को एक बार चांस मिला तभी मैंने देखा तो मेरे का ये पीछा कर रहे है। तो अभी मुझे दादर आना है शिवाजी पार्क। तो मैंने ट्रेन रिक्शा बस सब चेंज करके करके मैं घर तक आ गई क्योंकि लोग आपका पीछा कर रहे हैं। तो इस उसके बाद वापस उनके यहाँ गई। फिर एक बार वो आदमी आया और निकल गया। सेकंड टाइम जब आया उनका बहुत झगड़ा हुआ कि तू मत यहाँ आना, पैसे के लिए तू आ रहा है तो फिर मैं तेरे को पैसा देती हूँ लेकिन तू पकड़ा जाएगा तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। तो मैंने बोला अभी तो ये लास्ट चांस है, अभी क्या करे, इसको कैसे पकड़वा के दे दे, मोबाइल फोन भी नहीं उस टाइम में। तो फिर सोच लिया कि अभी क्या करो, अंदर गई किचन में और छुरी पैरों पे गिरा दी तो खून आने लगा। तो वो बोली क्या हुआ, तो मैंने बोला खून आ गया पैरों पे छुरी गई। तो बोलते जाके डॉक्टर से बैंडेज लगा के आओ, मुझे चांस चाहिए था नीचे जाने के लिए। तो मैं नीचे गई, कॉइन डाला रुपए का आठने का कुछ था तभी, और फोन पे बात किया कि वो लोग आए हैं और आपको अगर चाहिए तो आप लेके जा सकते हो उनको। फिर पुलिस और वो लोग आए, आधा घंटे में काम खत्म। एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनकी जासूसी आपको करनी है, ये कौन है? वो नाम नहीं हम ले सकते, प्लीज नो कम ऑन, कोई तो होगा। नहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ऑलरेडी किया है। तो कौन उनकी बीवियां आती हैं आपके पास? बीवियां भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, जिनकी वाइफ करती है। तो वैसे भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों आपके पास आए हैं? आए हैं, और इतने चुपके से आते हैं, बुरखा बुरखा डाल के किसी को पता भी नहीं होता है। सेवेंथ क्वेश्चन, कोई हाई प्रोफाइल केस पॉलिटिशियंस का भी आपने ऐसे जासूसी टाइप्स किया है? किया है। पॉलिटिशियंस भी आपके पास आते हैं? पॉलिटिशियंस के बच्चों के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ। पुलिस वाले, हाँ, महासंचालक है, डेप्यूटी कमिश्नर है, जनरल, ये सब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गाड़ी भेज के बुलाते कि आप हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे हाथ के नीचे पुलिस डिपार्टमेंट है लेकिन हम ये बात हर जगह पे फैलाना नहीं चाहते कि हम इनको बोलेंगे या और चार लोगों को बोलेंगे। तो हमारा घर का प्रॉब्लम हमारे घर में रहना चाहिए, इसके लिए वो भी लोग देते काम। माय गॉड, दिस इज क्रेजी। पर आपके लाइफ के ऊपर एक बायोपिक बनने तो कौन होगा वो एक्टर जो आपका कैरेक्टर निभाएगी? सबसे बोलते हैं तापसी पन्नू। हाँ। और ये अपने पद्मावती का काम किया अपना दीपिका। अरे वो अच्छा कर सकती है। ओके, सो तापसी या दीपिका। माधुरी कर सकती है, माधुरी दीक्षित। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आपने अपना क्लासेस शुरू किया है कि नहीं? फाइनली लोग जो डिटेक्टिव बनना चाहते हैं आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो? दे रहे हो। जिनके लिए उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना है तो हम लोग पहले शुरू में कैसे काम करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, कितनी हिम्मत है, कितनी कैपेबल है, ये सब मैं देखती हूँ। पैसा लेके कोई भी आएगा मुझे ट्रेन करो, और उसमें हिम्मत ही नहीं तो क्या काम करेगा। तो आप कैसे ट्राई करते हो? तो मैं ट्राई करती हूँ और बाद में कोई केसेस देती हूँ जो मैंने सॉल्व किए, और ये लोग किस किस टाइप से करते हैं, उनके पास खुद के आइडिया क्या है कि डिटेक्टिव खुद अपने बलबूते पे अपने ब्रेन से कुछ काम करना चाहिए। वो अगर उनमें नहीं है तो मैं कितना भी सिखाऊं और अचानक कोई आपत्ति आएगी तो उसमें से खुद को कैसे बचा लेगा। ये सब तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो सब आप चेक, बहुत जरूरी। आपकी लव स्टोरी के बारे में हमें जानना है, किसी हिम्मत हुई आपको प्रपोज करने की? नहीं ना, बचपन से ना लोग मेरे नजर को ही डरते थे, मैं ऐसे आग उठा के देखती थी ना, बोलते आपके आग बहुत भारी है, आप ऐसे देखते तो डर लगता। तो किसी ने प्रपोज नहीं किया तो आपने शादी क्यों नहीं की? आई फील लाइक वन ऑफ दोस आंटीज जो शादी कब हो रही है। अरे इतनी छोटी उम्र में मैंने करियर शुरू कर दिया, तो शादी के लिए सोचने का टाइम के बाद इतने लोग आने लगे, अरे डिटेक्टिव और लेडीज
तो इतने सारे लोगों के प्रॉब्लम देख देख के मुझे लगा कि शादी करके क्यों अपना अपने वाइफ को किसी बच्चों को किसी ने धमकाया है, मेरे हस्बैंड को किसी ने कुछ बताया है, तो काम करने का मेरा पूरा यही फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा एंड देखिएगा कि जो लोग जिनको पकड़े नहीं जाना है उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे अगर मैं बोल दूंगी तो बेचारे कभी पकड़े नहीं। थोड़े बहुत तो टिप्स दे ही दो। नहीं, सीक्रेट है वो, एक तो दे दो। नो बाबा, थैंक यू सो मच, बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके।